तो दोस्तों आज लॉन्च होने वाला है रियलमी का GT 2 Pro स्मार्टफोन। अब इसकी जो इंडिया प्राइस है वो निकल करके आ चुकी है, जो कि मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। और काफ़ी कमाल का प्रीमियम स्मार्टफोन होने वाला है, तो काफ़ी इफेक्टिव प्राइस पे स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा इंडिया मार्केट में। ऑल्दो आप सभी जानते हैं चाइना मार्केट और ग्लोबल मार्केट में स्मार्टफोन ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है रियलमी की तरफ से। तो अगर यहाँ पे आप स्मार्टफोन की इंडियन प्राइस एंड स्पेक्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर प्राइस बताने से पहले आप सभी को इसकी कुछ स्पेक्स बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप बात करते हैं बिल्ड एंड डिजाइन की, तो डिजाइन को लेकर के काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है। कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको डिजाइन जो है स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। फ्रंट और बैक दोनों ही जगह पर आपको स्मार्टफोन में कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। साथ ही रियर साइड में आपको मैट फिनिश देखने को मिल जाएगी। ग्रीन एंड व्हाइट दो कलर में स्मार्टफोन आज इंडिया मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। बात करें फ्रंट लुक की, तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी कमाल के पिक्चर क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और गेमिंग से रिलेटेड भी यहाँ पर काफी सही डिस्प्ले रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले पर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें गेमिंग को लेकर ही परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 जेनवन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसका एंटूटू स्कोर भी अराउंड 1 मिलियन के आसपास का निकल करके आ जाता है। तो पावरफुल भी स्मार्टफोन काफी ज्यादा होने वाला है। ऑल्दो यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रोसेसर के साथ में आपको थोड़ा सा हीटिंग का इशू जो है वो देखने को मिल जाता है, वरना तो यहाँ पर इस प्रोसेसर के साथ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। गेमिंग में भी आपको काफी अच्छी जो परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करा देगा। अब दो वेरिएंट में स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा, 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस आपको अराउंड 45,000 रुपये देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको 3,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी स्मार्टफोन के साथ में देखने को मिल जाएगा। तो अराउंड 42,000 रुपये के आसपास स्मार्टफोन आपको 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज के साथ इंडिया मार्केट में देखने को मिल जाएगा। एंड जो उसका सेकेंड वेरियंट होगा, वो यहाँ पर आपको 12 GB रैम प्लस 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 50,000 रुपये के समथिंग में देखने को मिल जाएगा। और वहाँ पर भी आपको 3 से 4,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो वो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा आपको इफेक्टिव देखने को मिलने वाली है। काफ़ी कमाल की प्राइस रहेगी मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से किस प्राइस पे स्मार्टफोन एक्चुअल में लॉन्च होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। वैसे अगर आप इसका किसी और के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर हम बात करें बैटरी की, तो बैटरी को लेकर भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है। 65 वाट का फास्ट चार्जर भी आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। ओवरऑल स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहेगा। और देखते हैं यहाँ पर रियलमी के स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी रहते हैं इंडिया मार्केट में, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है इंडिया के लिए। तो देखते हैं कि एक्चुअल में क्या प्राइस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप कंफर्म पकड़ के मत चलिएगा इस प्राइस को, 1-2 हज़ार रुपये ऊपर या नीचे भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड प्राइस ही आप सभी को बताई थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियोस रोजाना मिलती रहती है। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।